तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो डेट का डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट पहले से बना रखा है जिससे कि हमारे समय की बचत हो। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट डेट है, यहाँ पे एंड डेट है, और यहाँ पे कितना ईयर इसने कंप्लीट किया और कितना मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और कितने दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट के अंदर अगर कोई चीज़ परिवर्तन करता हूँ, यहाँ पे 13 लिख के अगर एंटर कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फार्मूला यूज़ किया है और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, फार्मूला इस तरह से यूज़ किया है। तो दोस्तों, बिल्कुल आपको नए सिरे से बताता हूँ कि आप दो डेट का डिफरेंस आप कैसे निकाल लेंगे और आपको क्या क्या काम करना होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे मैं जो तीसरा रो है इसको मैं यहाँ पे यूज़ करके आपको दो डेट का डिफरेंस कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन दो जो सेल है इसमें डेट की एंट्री हो रही है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इन दो सेल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाके इसका जो टाइप है यहाँ पे डेट कर देना है। यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे और जिस भी फॉर्मेट में आप डेट एंट्री करना चाहते हैं वहाँ पे फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके करेंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये जो लास्ट के ये जो तीन सेल है इसमें हमारा न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये तीनों सेल आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, आपको पुनः जो है फॉर्मेट सेल में जाना है और दोस्तों इसका जो डेटा टाइप आपको नंबर कर देना है। आप जो भी फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें, आप चाहें तो यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू को हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेसिमल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे डेसिमल को 0 कर देता हूँ और फाइनली यहाँ पे ओके कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मैंने इस सेल का ये दो जो सेल है इसको मैंने डेट टाइप बना दिया और ये जो लास्ट के जो तीन सेल हैं इसको नंबर टाइप मैंने बना दिया है। इसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका स्टार्ट डेट है, दोस्तों मैं बिल्कुल ऊपर वाला ही एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ जिससे आपको बिल्कुल सेम वैल्यू आपको यहाँ पर मिल पाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं स्टार्ट डेट लिख देता हूँ, तो 13/6 और इसके बाद मैं 2004 यहाँ पर ईयर लिख दिया। दोस्तों, अगर आपको ये पता करना हो कि आपको डेट किस फॉर्मेट में लिखना है, तो दोस्तों आप यहाँ पे इक्वल टू शाइन करके यहाँ पे आप टूडे TODAY टूडे लिख के ये आप ऐसे लिखेंगे फंक्शन और इंटर करेंगे तो दोस्तों आज का ये डेट यहाँ पे आ जा रहा है। तो दोस्तों, आपको इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है और लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको एक फार्मूला यूज़ करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज़ करने के लिए इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे TATED डेटेड इफ़ हमारा जो फंक्शन होता है इसका यूज़ करेंगे और डेट कहाँ से शुरुआत हो रहा है इसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, फिर कामा हम प्रेस करेंगे, फिर हमारा एंड डेट जो है यहाँ पे प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे कामा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ईयर लिखना है। ईयर के लिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको वाई लिखना है और फिर को डबल इन्वर्टेड कामा लिखना, ब्रैकेट को बंद करना और यहाँ पे इंटर करना है। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं यहाँ पे 16 वैल्यू आ गई है। तो ये सेल को सेलेक्ट करना है और F2 जैसे प्रेस करेंगे तो आपको फार्मूला यहाँ पे दिखेगा। दोस्तों, आप इस फार्मूले को अगर एब्सोल्यूट फार्मूले में भी अगर चेंज कर लेते हैं तब भी वैल्यू आपकी सेम आएगी। एब्सोल्यूट बार फार्मूले में चेंज करने के लिए आपको यहाँ F4 प्रेस करेंगे तो दोनों डी और नंबर के आगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डॉलर साइन आ गया। जो E11 वैल्यू है यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे और फाइनली यहाँ पे इंटर करेंगे तो देख रहे हैं हमारी वैल्यू यहाँ पे 16 आ गई। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको ये जो सेल है इसको आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी करना है। सी करने के बाद दोस्तों आपको ये जो फार्मूला इसको यहाँ पे कॉपी कर देना है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैल्यू 16 ही आ रही क्योंकि हमने फार्मूला सेम कॉपी किया है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है और यहाँ पे F2 प्रेस करना है और दोस्तों यहाँ पे जो Y लिखा है यहाँ पे हमको महीने में चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पे M लिख के यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखना दोस्तों यहाँ पे हमारे जो वैल्यू मंथ की यहाँ पे 11 आ रही है। इसी तरह से जो लास्ट का जो सेल है यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और जो यहाँ पे Y लिखा है इसको यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे MD लिखेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हमको सेम वैल्यू यहाँ पे मिल पा रही है। तो दोस्तों, यह वह तरीका है जिसके माध्यम से हम दो डेट का डिफरेंस 100% एक्यूरेट वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।